घर के अंदर यानी मेरे घर के अंदर ये वो शेल्स हैं। जो घर के बाहर हैं उसका हमें कोई अंदाजा नहीं वो सारी सड़क के ऊपर सारी रात सुबह तक और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं फिर शेलिंग हो रही है फिर एक और हमला हो गया तो मैं अपनी कौम के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि ये कौन सा मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था कि मेरे घर के ऊपर हमला कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के घर के ऊपर इस तरह शेलिंग नहीं हुई और वहाँ औरतें थी हमारे नौजवान थे उनके ऊपर जिस तरह अटैक किया गया इसकी कोई तो क्या वजह थी मेरा जुर्म क्या था जुर्म यह था जरा मैं आप चाहता हूं गौर से सुने मेरा जुर्म क्या था एक केस लगा होता है तोशाखाना का जो तोशाखाना का केस मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया और शुक्र है अल्लाह का कि वो अल्लाह अलक है वो तोशा खाना का सबके सामने अब रिकॉर्ड आ गया मैं चैलेंज करता हूं कि जब यह केस सुना जाएगा अगर किसी ने सारी चीजें जायज तरीके से यानी जायज तरीके से तोशा खाना का मतलब होता है कि जो आप प्रेजेंट आपको जब गिफ्ट्स मिलती हैं तो उनमें से जो आप रखना चाहते हैं एक, एक कीमत अदा करके ले लेते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है यह तोशाखाना है और ये सत्तर साल से यही है और ये जो कहते हैं कि वो अच्छा जी वो आपको कोई बड़ा तोहफा मिला था स्टेट गिफ्ट जो आप चीज खरीदते नहीं है तोशाखाना की वो ऑक्शन हो जाती हैं वो कोई जायब घर में नहीं रखी जाती तो मेरे ऊपर पूरा इन्होंने मीडिया ट्रायल चलवाया उसी के ऊपर केस कर दिए और अब अल्लाह का करम है कि इन सारी चीज़ें इनके सामने आ गई हैं और अभी आपको पता चलेगा जब वो देखेंगे कि इन्होंने चोरी की है तोशाखाना से और इंशाल्लाह वो सामने आ जाएगा अब तोषा खाना का केस लगा एफ एट की कचहरी में एफ एट की कचहरी में दो दफा बम धमाके हो चुके हैं वो उसको आपकी जो सिक्योरिटी है वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते वो जगह ऐसी है कि वहाँ वकील भी शहीद हुए वहाँ जजेस भी शहीद हुए उधर ही जब दो दफा दहशतगर्दी हुई तो जब वहां उसको प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते और खुद इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि मेरी जान खतरे में है इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि मेरी जान को खतरा है एक मेरे ऊपर हमला हो चुका है मुझे पता है कि जो लोग आज बैठे हुए हैं ये इकतदार में जो शबाज शरीफ और राना सनाउल्ला ये ही इन्होंने ही पहला मेरे ऊपर किया था और एक और एजेंसीज के आदमी ने अब वही पावर में बैठे हैं खतरा उनसे है तो मैं एक चीज मांगी कि मुझे सिक्योरिटी दें उधर जाने के लिए और अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो मेरा उधर कर दें केस जिधर मुझे सिक्योरिटी मिलती है जब से मेरी टांग ठीक हुई है मैं दो दफा एक लाहौर कोर्ट गया और एक इस्लामाबाद कोई सिक्योरिटी नहीं थी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी और फिर मैं वाजे कर दूं कि यह अनप्रेसिडेंटेड है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को कातलाना हमला होता है उसके बाद उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती उसके लिए उस वजह से हमने अदालत में गए हुए हैं कि हमें सिक्योरिटी दो और उस जज ने हमारे ऊपर मेरे ऊपर वारंट निकाल दिया अब ये वारंट क्या है जिसके लिए पुलिस आई हुई थी मैं ये जरा सारा आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो सारी अभी भी शेलिंग हो रही है ये पुलिस का और कोई काम नहीं है पूरी फौज की फौज आई हुई है रेंजर्स आए हुए हैं कि इस तरह कोई दहशतगर्द या जमान पार्क में बैठा हुआ है वारंट सिर्फ ये थे कि आपको पुलिस अदालत में पेश करें यह है वारंट जिस अदालत में मैं इसलिए नहीं जा सका क्योंकि सिक्योरिटी का इशू था अदालत ने पेश करना ये पुलिस ने वहां पेश करना था रात को जो प्रेसिडेंट हैं लाहौर हाई कोर्ट के बार के इश्तिया खान उन्होंने श्योरिटी दे दी उनको मैंने ऑथराइज कर दिया उन्होंने श्योरिटी दी कि वो वो जो मेरा मेरा अपेयरेंस है हाईकोर्ट में वो गारंटी करते हैं अठारह को उन्होंने श्योरिटी दे दी मैं हाई कोर्ट में प्रेजेंट होऊंगा तो जब उन्होंने श्योरिटी दे दी तो वो पुलिस ऑफिसर जो मुझे अरेस्ट करने आया था उसको श्योरिटी मिल जाती वो केस उ, उ, उसको इंतजार करना चाहिए तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं अदालत जा रहा हूं इसलिए तो वो आया था मुझे अरेस्ट करने और ये कानून है ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल सीसीपी जो कहते हैं कि कोर्ट फॉर क्रिमिनल सीआरपीसी जो कोड होती है जो जो जिसके तहत ये कानून बना हुआ है उसका सेक्शन 75 कहता है कि ये अगर कर दें तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती तो वो रात ले लेके फिर रहा इश्ते खान ये अब श्योरिटी और पुलिस वाला ही नहीं मिल रहा वो क्यों नहीं मिल रहा क्योंकि उन्होंने फैसला किया हुआ था मेरे ऊपर यह अटैक करने का अब यह मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह सिर्फ शेल्स नहीं है यह गोलियां आपके सामने हैं यह गोलियां चलाई इन्होंने यहां ये गोलियां चलाने वाले एक आदमी को अदालत में पेश करने के लिए नहीं आते इनके अजायम ये जो ऊपर सारे बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले ही मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी इनके अजायम ये नहीं थे कि इमरान खान ने यह अदालत में वो कह रहा है कि मैं पहुंचूंगा उसके बावजूद यह हमला कर रहा और अभी तक हमला हो रहा है इनका मकसद कुछ और है लंदन के अंदर प्लान बना वादे किए गए नवाज शरीफ से वादा ये किया गया कि अगर हमें बैक करेंगे तो मैं आपको ये ये करके दूंगा जिसमें इमरान खान को जेल में डालूंगा पी टी आई को खत्म करूंगा नवाज शरीफ को आ, सारे केसेस खत्म करूंगा ये प्लान था पूरा ये प्लान बड़ी देर से पता है मैं बताता जा रहा हूं आप सबको उस प्लान के तहत ये गेम चल रही थी क्यों मेरे वर्कर्स इस तरह जिस तरह उन्होंने आ, ये दिफा किया जबान पा की मैं तो क्या उनको दो दफा कहा मैंने कहा देखो ये मैं कोई इंतजार नहीं चाहता मैं चाहता हूं मैं चला जाता हूं बैग मेरा पैक था लेकिन सारे कारकुनों का क्या मसला था उनको पता था कि जब से हमारी हुकूमत गई है हमारे लोगों को तशद्द किया गया जेल में कस्टोडियल टॉर्चर कहते हैं इसको जेल के अंदर तशद किया गया आजम स्वाति शबाज गल हमें पता है अरशद शरीफ से क्या हुआ हमें पता है सोशल मीडिया के लड़कों से क्या हुआ और हमें पता है कि वो दरवेश, वो जो स्पेशल इंसान था जिसके पास प्यार के अलावा कुछ था ही नहीं जिले शाह से किस तरह इन्होंने उठाया और उसे तशद्द करके कत्ल करके सड़क पर फेंक गए तो वो सारे सारे फिक्र कर रहे थे कि देखिए अगर इन्होंने ये आपसे ले गए एक, एक दफा आपको तो ये आपसे भी ये करेंगे इसलिए उन्होंने रात से वो मुकाबला कर रहे हैं इनका सिर्फ इस वजह से सो मैं आज ये पूछना चाहता हूं मैं वो जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे यह बताएं कि रेंजर्स को भेजने का क्या काम था मेरे द्वार के ऊपर रेंजर्स चढ़ रहे थे अंदर आने लगे थे ये कौन से मैं कौन सा जुर्म किया कि रेंजर्स को यहां अटैक करवाया मेरे ऊपर और जब रेंजर्स और हमारे लोगों का आमना सामना होगा तो क्या कोई कौम समझेगी कि हमारी स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है और क्या यह करना चाहिए कि रेंजर्स यानी फौज को और अवाम का आमना सामना करवाना चाहिए जब टीएलपी आ रही थी इस्लामाबाद की तरफ तो मुझे तब आर्मी चीफ ने कहा था कि हम बिल्कुल फौज को सिविलियंस के सामने नहीं लेके आएंगे तो अब क्यों आ रही है क्या वजह है कौन सा जुर्म है क्या जुर्म किया मैंने और क्या वजह है कि इस तरह की बेदर्दी से जिस तरह का अभी तक सबको जो ये जो शेल्स मारे गए हैं गोलियां चलाई गई यानी ये ये क्या जमुरियत है क्या हमने कभी हमारे साढ़े तीन साल में कभी किसी के ऊपर तीन लॉन्ग मार्चेस दी प्रोटेस्ट है क्या हमने कभी किसी के ऊपर ये किया तो ये क्या वजह है इसके पीछे क्या है हम सब सवाल पूछ रहे हैं हम सब हैरान हहरा, हैं कि इस सब का मकसद क्या है चाहते क्या है क्या ये वो सारी वो इस वही एक तसलसल है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाओ लेकिन उससे भी ज्यादा इमरान खान को माइनस करो बीच में से इसलिए पकड़ने आए थे और देखे मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि देखे मैंने पूरी कोशिश की है जब से मेरी गवर्नमेंट गिराई गई है कि कोई मेरी वजह से इस मुल्क में इंतजार ना हो हमने सारे पुरमन सत्तर जल किए सब पुरमन जब कोई इंतजार का वक्त आता था, था जब इन्होंने इसी तरह हमारे ऊपर जुल्म किया पच्चीस मई को पिछले साल हमने मैंने कैंसिल किया मैंने उसको खत्म कर दिया धरने को क्योंकि मुझे डर था कि अब इंतजार की तरफ जा रहा है। उसके बाद 26 नवंबर लाखों लोग जमा थे वहां उस वक्त पिंडी में हम आराम हमारा प्लान था इस्लामाबाद में जाके धरना देना लेकिन जब मैंने माहौल देखा जब उन्होंने पुलिस जमा तीस हजार पुलिस जमा की हुई थी तो मुझे पता था फिर ये तो ये तो जान के चाह रहे कोई क्लैश हो तो मैंने वो कैंसिल कर दिया हमने आठ मार्च को एक परमिशन ली हुई थी इन्होंने हमें शाम को पुलिस ने परमिशन दी थी कि अपनी इलेक्शन रैली जो हमने अपनी तीस अप्रैल की इलेक्शन के लिए करनी थी परमिशन मिली हुई थी रूट अप्रूव था सुबह लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस के जत्थे खड़े हुए हैं और लोग रैली के लिए आ रहे हैं और एकदम पता चलता है कि दफा एक सौ चवालीस लगा दी जाती है किस वजह से इलेक्शन जब डेट अनाउंस हो जाए आप इलेक्शन रैली के खिलाफ दफा एक सौ चवालीस कैसे कर सकते हैं वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट और उसके बाद शेलिंग शुरू हो जाती है जिस तरह अब इस शेलिंग डराना धमकाना मारना और उसमें जिल्ले शाह का जिस तरह कत्ल किया गया तो उसके बाद जब अगले दिन हमने वो किया फिर से इन्होंने जब बैन किया और इनका ख्याल था कि हम फिर से रिएक्ट करेंगे मैंने फिर कैंसिल किया क्योंकि मुझे पता था हमारे लोगों को गुस्सा था जो जिले शाह से सब उसे प्यार करते थे तो इसलिए हमने कैंसिल की हमने पोस्टपोन की ताकि कोई इंतजार ना हो अब मुझे बताएं रात से जब मुझे पता चला कि अच्छा ये वारंट आ गए हैं तो चले हम मैं श्योरिटी दे देता हूं वो बॉन्ड साइन कर देता हूं मैं उसके साथ इश्ति खान के साथ प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तो फिर क्या चीज रह गई थी क्या वजह अभी तक हमले हो रहे हैं अदालत के अंदर हमारा केस पड़ा है अदालत में हम हम गए हुए हैं इस्लामाबाद में और लाहौर में और अभी तक ये शैलिंग रेंजर्स ने फिर अटैक कर दिए और मुझे अभी भी नहीं समझ आई कि मेरे घर की दीवारों से कूद के अंदर आ रहे थे क्या कोई कमांडो एक्शन करना था कि इमरान खान को पकड़ के ले जाना था ये क्या मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ और मैं आखिर में अफसोस से कहना चाहता हूं कि देखें ये मुल्क को उधर आप लेके जा रहे हैं और जो जो भी इस वक्त पावर में बैठे हैं मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं कि ये मेरे हाथ से भी चीज निकल जाएगी अब ये जो लड़कों ने ये थोड़े से थे जिस तरह इन्होंने वहाँ खड़ा होके टेयर गैसिंग सब के बावजूद इतनी भारी पुलिस की नफरी उसके सामने खड़े हुए हैं सिर्फ इस खौफ से कि चेयरमैन को उठा के ले जा के ये फिर जेलों में तशद करेंगे और खौफ ये है कि इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की थी और यही अब जेल में लेके जा रहे कोई इन किसी को इतमाद नहीं है इन मुजरिमों को ये जराइम पेशा लोग हैं किसी को इनके ऊपर अतमाद नहीं है तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि जो इस वक्त इकदार में बैठे हैं जो पावर में हैं, जो पावर कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान की और वो ये नहीं है ये जो राना सनावला और ये जो शबाज शरीफ है जिनके पास पावर है क्या कोई फिक्र है आपको पाकिस्तान की क्या आपको फिक्र है कि यह मुल्क जाके डर रहा है क्या आपको फिक्र है कि मैं अगर आप जब भी मुझे पकड़ लेंगे क्या होगा जेल में चला जाऊंगा जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है क्या कर लेंगे आप और ज्यादा पार्टी ताकत में आएगी लेकिन उसका जो नतीजे में रद्द अमल आएगा वो क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? किसको नुकसान होगा जिस मुल्क की मायश्यत अभी बैठ चुकी है भी बेकारों की तरह पैसे मांगते फिर रहे हैं मुल्क सुकड़ता जा रहा है महंगाई आसमानों पर है महंगाई ऐसी महंगाई पाकिस्तान की तारीफ में नहीं आई तनख्वाहदार तबका पिस गया बचारों के पास इस वक्त हालात ये हैं कि उनका दो हफ्ते के, के अंदर उनके पास तनख्वाही खत्म हो जाती हैं उस माहौल के अंदर इंतार फैलाना क्या ये कोई पाकिस्तानी पाकिस्तानी सोच रखे ये तो कोई दुश्मन ऐसे करे मुल्क के साथ तो यह हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी यह जो हरकतें हो रही हैं ये मेरी अब ये जो बाहर लड़के हैं ये मेरी नहीं सुन रहा है जब उनके ऊपर ये इंतजार हो रहा है और ये जो शेलिंग हो रही है वो मेरी नहीं अब बात सुनते वो अब अब मेरा कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है और जिस तरह की यह बंबारी और ये जो यह सबके हाथ से निकल जाएगा इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपनी अदलिया से सबसे पहले कि देखिए उम्मीद सिर्फ अब हमें आप पर रह गई है यह जुराइम पेशा लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं ये तो कोशिश कर रहे हैं कि अस्सी केसेस कर दिए हैं और ये तो केसेस बढ़ते जाएंगे ये तो कोई कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत इनकी तो कोशिश है कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं या मैं किसी जेल में चला जाऊं और या सारा वक्त उलझा रहा हूं केसेज में कि कभी एक वारंट निकल रहा है तो हमें तो सिर्फ उम्मीद अदलिया से है और दूसरी हम उम्मीद लगा रहे हैं अपनी जो इस्टैब्लिशमेंट है इस मुल्क की कि क्या आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है या नहीं है तो ये जो तमाशा हो रहा है इसको बंद करें मुल्क का सोचें ये जो जो भी प्लान है लंडन का इसके ऊपर ना काम करें ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और मेरी अपील है आप सब से कि अब इस मुल्क का सोचें आप जिनका जीना मरना इस मुल्क में है हमारे तो कोई बाहर नहीं जाना मैं तो कोई लंडन नहीं जाना जिस तरह ये सारा टब्बर उठ के चला जाता है या दूसरा उठ के वह बाहर चला जाता है इनकी तो बाहर प्रॉपर्टीज अरब डॉलर है हमारा तो जीना मरना यहां तो मेरा अकेले को फिक्र नहीं करना चाहिए हर उस पाकिस्तानी को इस मुल्क का सोचना चाहिए जो उठ के लंडन नहीं चला जाएगा जिसके बाहर डॉलर्स ही पड़े हुए हैं उन सबको सोचना चाहिए कि मुल्क जा किस तरफ रहा है और अपनी आवाम को आखिर में मैं आपको कहना चाहता हूं मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं मैं पकड़ा जाऊं जेल में भी चला जाऊं जो भी मुझे हो जाए आपने जो हकीकी आजादी की हमारी तहरीक है आपने सबने इसमें शिरकत कर ली है क्योंकि गुलाम कौम का कोई मुस्कबल नहीं होता ये जो एक छोटा सा तबका ऊपर हावी हुआ हुआ है कानून के वो ऊपर बैठा है हर किस्म का कर जुल्म करता है लोगों पर खौफ के ऊपर मुल्क चलाता है सारे मुल्क वसाइल के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है यहां से पैसा चोरी करता है हुडी वाले से बाहर भिजवा देता है मुल्क का सारी चोरी का पैसा आज इनके बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स और लंडन और बाहर मगरबी कैपिटल्स में इनका पैसा पड़ा है सिर्फ दुबई के अंदर बीस हजार पाकिस्तानियों ने यह भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है बीस हजार पाकिस्तानियों का दुबई में दस इशारिया चार अरब डॉलर पड़ा हुआ है तो मुल्क कैसे आगे जा सकता है अगर ये इन लोगों के हाथ में मुल्क रहेगा इसलिए मैं कौम को आज कह रहा हूं कि आपने पूरी तरह इस हकीकी आजादी की जहाद में शिरकत करनी है पाकिस्तान जिंदाबाद